हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको 10x फंक्शन पे 10 फंक्शन पे आपको मैं दिखाऊंगा कि 10x कैसे कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये 10x का ग्राफ बना हुआ है, जो कि जीरो मीन्स ऑड इवन नंबर पे, इवन मल्टीपल पे ये कंटिन्यूस होता है, जैसे जीरो पाई, टू पाई। ठीक है, और ऑड मल्टीपल पे जैसे माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू, 3π/2, ये सब पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो इसलिए आप देख रहे हैं जो ग्राफ बना हुआ है ये यहाँ से जीरो से तो आया, लेकिन ये डायरेक्ट एकदम सीधा चला गया, मीन्स ये इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि 10x का ग्राफ जो है ये इन्फिनिटी तक गया, ये जीरो पाई और 2π तक इसका कंटिन्यूस होता है। ठीक है, मीन्स इवन मल्टीपल पे। ठीक है, तो आपने देखा कि ये ऐसा होता है। तो अब आइए इसको बना के देखते हैं। ठीक है, मान लिया जाए fx कोई फंक्शन लेते हैं, कोई फंक्शन fx लिए इक्वल्स 10x होता है कि नहीं। तो देखिए, तो 10x इक्वल्स, आप जानते हैं 10x को sin x बाय cos x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं px, इसको मान लेते हैं qx। ठीक है, q ऑफ x, तो इस तरह लिख रहे हैं, तो मीन्स इसको sin x इक्वल्स p ऑफ x होगा और कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स क्यू एक्स होगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि साइन ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स क्यू एक्स हुआ। ठीक है, तो इससे इसमें आपको ये भी पता चलता है कि द डोमेन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट द पॉइंट एट विच कॉस एक्स इज जीरो। तो वैसे में मान लिया जाए, अगर ये जो कॉस एक्स है इसके जीरो ले लेते हैं, अगर इसके जगह जीरो पुट कीजिएगा तो ये तो अनडिफाइंड कर जाएगा, तो 10x का वैल्यू तो नहीं निकलेगा, पता भी नहीं चलेगा ये कंटिन्यूस है या नहीं है। इसीलिए इसके डोमेन पे, मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन मीन्स सिर्फ ये रियल नंबर पे, रियल नंबर पे सिर्फ ये कंटिन्यूस होता है। और अगर हम इसको लिख देते हैं fx इक्वल्स 10x होगा उसके डोमेन पे। ठीक है, मगर x, अगर x इज सच दैट x इक्वल्स 2n+1 π/2 होगा, तो इस पे ये नहीं होता है कंटिन्यूस। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस पे ये कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो आइए इसको बना के देखते हैं लिमिट से कि क्या होगा। तो मान लिया जाए कोई पॉइंट लिए हैं x इक्वल्स a पॉइंट पे बनाते हैं। तो पहले होगा, पहले LHL के लिए लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ, सॉरी ये नहीं होगा, फॉर LHL उससे पहले हमको लिखना पड़ता है कि पुट x इक्वल्स a पॉइंट है तो a माइनस एच होगा। ठीक है, कब होगा, तो x जब a माइनस की ओर होगा तो एच कहाँ टेंड करेगा, जीरो की तरफ। ठीक है, तब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए माइनस एच, इसे पता चलेगा ना कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट का है, तो ए माइनस एच होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और हमको क्या लिखना था 10x। तो 10x फॉर्म 10x मीन्स एच की जगह जीरो पुट हो जाएगा तो ये 10 ही हो जाएगा। चलिए ए माइनस एच लिख ही देते हैं तब कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, तो 10 हुआ, एच को जैसे आप जीरो पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 10 ही आ गया। ठीक है, तो आपने देखा LHL पे इसका वैल्यू आया 10 ही। तो आइए अब देखते हैं RHL पे क्या आता है, 4RHL। अब RHL पे पुट करके देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है, हमको पुट करना पड़ेगा ए पॉइंट पे है, तो पुट x इक्वल्स a प्लस एच, RHL है तो a प्लस एच होता है। तो ये कब होगा, जब x टेंड करेगा a प्लस की ओर तो h कहाँ टेंड करेगा, h टेंड करेगा जीरो की ओर। ठीक है, तो इन दिस केस इसमें लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ a प्लस एच जो होगा वो होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और 10x का फंक्शन है तो 10x लिखेंगे, x की जगह a प्लस एच हमको लिखना है। ठीक है,
और आप देख रहे हैं h टेंस टू जीरो है, तो यहाँ h टेंस टू जीरो जीरो करेंगे, इसका वैल्यू 10 आ गया, 10 ही ठीक है। अब देखते हैं इसका फंक्शन पे कितना आता है वैल्यू, तो फंक्शन था किसका, a का, तो x x की जगह हमको क्या पुट करना है, a, तो 10 a। तो आपने देखा इसमें एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल्स एफ ए आ गया, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो थर्ड इससे आपको पता चला लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस h मीन्स एल एच एल इक्वल्स लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ a प्लस एच इक्वल्स एफ ए मीन्स तीनों इक्वल हो गया। और आप जानते हैं कंटिन्यूटी में कि अगर एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया तो उसको कंटिन्यूस करते हैं, तो हेंस द फंक्शन टेन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, तो ये प्रूव हो गया है, ठीक है, तो हेंस रूट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।